तब करीबन रात के 11 बज रहे थे। रमेश छत पर ही खड़ा था और वहां से खड़े होकर रास्ता देख रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, माहौल पूरी तरह से शांत। रमेश का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। वो देखता है उसके पिताजी प्रसाद छत पे चेयर पे बैठे बैठे सो रहे हैं। पत्नी बहू अभी तक घर नहीं लौटी जो होटल में काम करती है, ये सोचते सोचते परेशान होकर सो गए। पिताजी पिताजी उठिए, देखिए माँ और अनामिका अभी तक लौटी नहीं। इस तरह जगाने पे प्रसाद की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, बेटा लगता है सास बहू का खाना चोरी करना हुआ नहीं, इसीलिए दोनों लौटी नहीं। तुम परेशान मत हो, कल बहुत काम है, आओ तुम भी सो जाओ। कहकर प्रसाद फिर से सो जाते हैं। रमेश को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। ये कैसी आदत है ये दोनों सास बहू की, चोरी करके खाने की जो इनकी आदत है ना, पता नहीं ये दोनों कब पकड़ी जाए। बस हाथ में खाना होना चाहिए और कुछ याद नहीं रहता, अपने पतियों को भी भूल जाती है। इन सास बहू को गाली देने के लिए भी मेरे पास कोई गाली नहीं, छी क्या जिंदगी है। इस तरह सोचते हुए फिर वो रास्ता देखने लगता है। ना ही कोई आवाज आती है, ना ही कोई एहसास होता है सास बहू के वापस आने का। पिताजी कह रहे थे कि सास बहू का लगता है अभी तक चोरी करके खाना खत्म नहीं हुआ। इस तरह सोचते हुए वो एक खाली चेयर पे जाके बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक उसी वक्त सास और बहू जैत्रा होटल बिल्डिंग के पाइप को पकड़ते हुए धीरे धीरे उससे वो ऊपर चढ़ रही थी। माँ जी जब मैंने कहा था इस तरह नहीं, आपने सुना नहीं, अब देखिए इस तरह चढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है। अगर हमें खाना है ना तो चोरों की तरह छिपके ही जाना है, नहीं तो हम पकड़े जा सकते हैं। अगर हम पकड़े जाते तो कुछ ना कुछ हम बहाना बना देते। हमें इसी तरह इस पाइप को पकड़ के ऊपर चढ़ना है। हे भगवान माँ जी, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ। तुम बिजली की तार जैसी हो, फिर भी ऐसा कहोगी तो मैं तो कद्दू जैसी हूँ, सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी। और क्या होगा, अगर आपकी बैलेंस खराब हो गई तो आप कद्दू के तरह ही सर के बल नीचे गिरेंगी और आपका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, फिर मैं आपका हेड करी बना के खाऊंगी। हाँ, अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है। अनामिका को डांट फटकार लगाती है और फिर से पाइप पकड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। उधर चेयर पे बैठा रमेश अनामिका और शारदा को लगातार फोन कर रहा था, पर दोनों के फोन ही बंद आ रहे थे। इस बात से रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। ये भुक्कड़ सास बहू ना खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, एक बार वैसे भी घर वापस आने दो, इन दोनों को चेयर से बांध के रखूंगा। इधर रमेश ये सोच रहा था, उधर जैत्रा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के सास बहू चारों तरफ देखने लगती है। पूरे शहर में मानो शांति छाई हुई थी। माँ जी मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम पाइप पकड़ के इतना ऊपर चढ़ गए। हाँ बहू, हम यहाँ आ गए, असल में हम यहाँ नहीं आए, हमारा खाद्य प्रिय स्वभाव है वो हमें यहाँ ले आया और हम इतने साहसी बन गए। तो फिर देर ना करते हुए हम जो बिरयानी यहाँ छुपा रखे, चलिए उसे खा लेते हैं। खाना ही होगा जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं, शारदा कहकर बहुत खुश होती है। फिर अनामिका भी बड़े से हांडी में जो चिकन बिरयानी थी उसे वो लेकर आती है। सास बहुत देर किए बिना बड़े से हंडी में चिकन बिरयानी गबागब खाने लगती है। ठीक उसी वक्त होटल के मैनेजर दिवाकर होटल के सीसीटीवी में क्या कुछ कैद हुआ था वो बैठकर देख रहे होते हैं। वहाँ सास और बहू जो होटल में ही काम करती थी, जब देखा कि किचन में कोई नहीं है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई उन्हें देख ना ले, बड़ा सा बिरयानी का बर्तन लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। ये सास बहू ने मुझे भरोसा दिलाया कि यहाँ पे काम करेंगी और यहाँ आकर ये दोनों ये काम कर रही है। तुम लोगों की चोरी पकड़ी गई है, अब कल तुम लोग आओ, देखो मैं क्या करता हूँ। इस तरह कहते हुए वो बाहर निकल आते कमरे से। उधर सास बहू उस बड़े से बर्तन के सामने बैठकर मजे से खा रही होती है। अरे वाह बहू, ये बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ जी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहकर सास बहू गबागब दोनों मिलके बिरयानी खाने लगती है। फिर वो पूरे शहर को देखते हुए, माँ जी अब हम घर चले? अभी तो खाए हैं बहू, थोड़ा रुक जाते हैं, फिर पाइप पकड़ के नीचे उतरना होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। इस तरह सास बहू थोड़ी देर बातचीत करती हैं और बातचीत करते करते बिल्डिंग के टेरेस पे ही सो जाती है।
फिर जब सुबह होने वाली थी, प्रसाद और रमेश जो छत पे ही सो गए थे, अचानक से उनकी आंखें खुलती है। फिर दोनों हड़बड़ा के नीचे आते हैं देखने के लिए कि सास बहू घर आई कि नहीं। पिताजी, ये भुक्कड़ सास बहू तो रात में घर ही नहीं लौटी है। हम तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं ना बेटा, वो जरूर कहीं खा के वहीं पे सो गए होंगे। आँख खुलेगी तो वो लौट आएंगी। चलो हम अपना काम कर लेते हैं। इस तरह बातचीत करके प्रसाद नीचे जाके गोबर पानी छिड़क देते हैं, रमेश रंगोली बना देता है, फिर सब्जियां भी काट देता है। फिर सुबह के 9 बज रहे थे। रमेश और प्रसाद डाइनिंग टेबल के पास आकर अपना जला हुआ डोसा खाने लगते हैं। तभी प्रसाद का फोन बज उठता है। हेलो, कौन बोल रहा है? पुलिस स्टेशन से SI अरविंद फोन पे थे। हेलो, बौना प्रसाद बोल रहे हैं। मुझे बौना कहा, कौन है आप? पुलिस स्टेशन से SI अरविंद बोल रहा हूँ मैं। आपकी पत्नी ने बताई थी कि आप बौने प्रसाद है, इसीलिए मैंने आपको बौना प्रसाद कहा। मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। जिस होटल में वो दोनों काम करती है, जहाँ पे 10 लोगों का बिरयानी था, वो अकेले छत पे बैठकर दोनों खा गई पूरा बिरयानी और वहीं पे छत पे सो गई। अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया है। उन्हें छुड़वाने के लिए आप लोग यहाँ आना चाहते हैं क्या? सर कहीं मत भेजिए उन्हें, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। रमेश को पूरी बात समझ में आ जाती है। चलिए पिताजी, पुलिस स्टेशन जाके माँ और अनामिका को छुड़ा ले आते हैं। इस तरह से कह के प्रसाद और रमेश घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में अनामिका और शारदा लॉकअप में थी। उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो झूठ का प्यार बरसाने लगती है। अजी आए हैं, अजी आप आए हैं, सरल भाव दिखाकर कहने लगती है। तुम दोनों भुक्कर सास बहू इस तरह से अभिनय करना बंद करो। SIG से बात करने आए हैं तुम लोगों को घर ले जाने के लिए। ये सुनकर सास बहू लॉकअप के अंदर चुपचाप हो जाती है। रमेश और प्रसाद SI अरविंद से बातचीत करते हैं, फिर कुछ रुपए पैसे देकर शारदा और अनामिका को घर वापस ले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन जब वो अपने नए घर में प्रवेश करने वाले थे, रमेश और प्रसाद के घर में उनके रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, सभी लोग वहाँ आते हैं। पर सास बहू, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी का भी वो स्वागत नहीं करती। 30 kg मटन जहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ पर जाके वो बस बैठ जाती है। शारदा, तुम और बहू इस तरह पकवान के सामने जाके बैठ गई हो, घर में आए रिश्तेदारों से जाकर बात करो। मैं तो यहाँ पे मीट बन रहा है, उसी को देख रही हूँ, बहू से जाके कहो बात करने। वो बात नहीं है पिताजी, मैं तो अभी अभी इस घर की बहू बन के आई हूँ, वो मुझे ठीक से जानते भी नहीं। माँ जी वहाँ के सभी लोगों को अच्छे से जानती है, आप उन्हें ही कहिए जाके मिलाने के लिए। इस बात से शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। फिर सास बहू एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती है। अब चूंकि कोई और चारा नहीं था, इसीलिए प्रसाद और रमेश खुद ही आकर सबका स्वागत करते हैं। माँ जी मटन तो बन गया है, अच्छा बना है कि नहीं एक बार आपने खुद से जांच करके देखा है क्या? नहीं तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। हाँ बहू, रुको देखती हूँ। इस तरह कहकर शारदा मटन का एक टुकड़ा लेकर खाने लगती है। मैं भी देखना चाहती हूँ माँ जी। इस तरह अनामिका भी खा के देखने लगती है। फिर सास बहू खाते खाते कहने लगती है, नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, और इस तरह पूरा मटन खत्म हो जाता है। रमेश और प्रसाद को इस बात की खबर नहीं थी। उन्होंने जितने रिश्तेदार आए थे सभी को बैठा देते हैं, केला पत्ता डाल देते हैं, उसमें चावल भी डाल देते हैं। बेटा रमेश जाओ मीट ले आओ। ठीक है पिताजी। इतना कहकर रमेश मीट लाने चला जाता है। वहाँ देखता है कि सास बहू वहाँ बैठकर मीट खा रही है। हाय भगवान, ये सास बहू तो एक दूसरे के सामने राक्षस जैसा बैठकर मीट खा रही है। पिताजी पिताजी, परेशान होकर वो बुलाने लगता है। प्रसाद आवाज सुनते ही भागते हुए रमेश के पास आते हैं। शारदा अनामिका एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता लगाकर मटन करी खाए जा रही थी। बाप बेटा आके सास बहू को वहाँ से हटाते हैं। फिर जाके देखते हैं कि कितना मटन बचा हुआ है। मटन थोड़ा सा ही बचा हुआ था। प्रसाद और रमेश तो सर पे हाथ लेके बैठ जाते हैं। क्या हुआ जी, मीट खत्म हो गया क्या? जाके देखो, तुम्ही को समझ में आएगा। इस तरह कहने पे सास बहू आकर देखती है। देखती है मटन थोड़ा सा ही है। फिर सास बहू थोड़ी देर सोचती है और उसमें पानी मिला देती है। ये देखकर प्रसाद रमेश वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं।
बहू अब देर ना करके चलो, हम ही जाके पड़ोस देते हैं। इस तरह कहकर शारदा एक छोटा बाल्टी जिसमें पानी से भरा हुआ था लेके जाती है और जो खाने के लिए बैठे थे एक मटन के पीस के साथ पानी पड़ोस देती है। बुरा मत मानिएगा, कुत्ता आके मीट खा गया, इसलिए तरी के साथ हम दे रहे हैं। ये सुनकर जो लोग वहाँ पे खाने के लिए बैठे थे वहाँ से उठ के सब भागने लगते हैं। सास बहू वो मटन के पीस उठा के ले आती है, उन्हें पकाती है और खाती है। जब बाप बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत डांटते हैं। तो ये थी सास बहू की चोरी करके खाने की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चूंकि छत पर अंधेरा हो रहा था, धूर्त सासू मां शारदा बस यही सोच रही थी कि अपनी बांझ बहू को कैसे मारा जाए, और तभी उसके पति प्रसाद छत पर आते हैं। क्या शारदा, बांझ बहू को मारने की कोई तरकीब आई क्या? तरकीब तो नहीं, पर सर दर्द जरूर हो गया। नीचे जाने के बाद सर दर्द का दवाई दूंगा, ले लेना। पर कैसे भी बांझ बहू को मारने की तरकीब तुम सोचो। वो तरकीब मैं सोच लूंगी, पर एक गर्मा गर्म कड़क चाय बना के पिलाइए। तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर प्रसाद छत से चले जाते हैं। शारदा वहीं छत पे इधर से उधर वो चलने लगती है। ठीक उसी वक्त अनामिका मंदिर के परिसर में बहुत ही दुखी होकर बैठी हुई होती है। अनामिका को इस तरह दुखी देखकर कमला अनामिका के पास आती है। क्या अनामिका, आजकल जब भी तुम मंदिर में आती हो तो लगता है तुम बहुत दुखी दुखी हो। क्या बात है, इतनी दुखी किस बात से हो? क्या हुआ है, मतलब मैं अब क्या बताऊं? कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। माँ बनने की बस तुम्हें चाहते है ना? मेरा संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। रात में हम ठीक से सो नहीं पाते। जब भी मेरी सास मुझे बांझ बांझ कह के बुलाती है मुझे बहुत तकलीफ होती है, मानो कि मेरे मुंह से खून निकल आ जाए सुन के। इस तरह कहते हुए अनामिका रोने लगती है। देखकर कमला को भी बहुत बुरा लगता है। कमला अनामिका के आंसू पोंछती है। तुम दुखी मत हो, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, तुम्हारे साथ जरूर अच्छा होगा। देखो अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। तुम जाओ कमला, मैं थोड़ी देर बैठूंगी फिर जाऊंगी। उसकी इस तरह बातें सुनके कमला वहां से चली जाती है। अनामिका रोने लगती है, बहुत दुखी होती है। उधर ऑफिस में रमेश अकेले कैबिन में बैठा होता है, पर वो काम पे ठीक से फोकस नहीं हो पाता। तभी रमेश के बॉस सुदर्शन घर जा रहे होते हैं। रमेश को कैबिन में देखकर उसके पास आते हैं। क्या रमेश, आपका काम तो पहले ही खत्म हो गया, उसके बावजूद आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। घर जाने पे मुझे इतनी शांति भी नहीं मिलती है, इसीलिए घर नहीं जाके मैं यहीं पे बैठा हूँ सर। देखो रमेश, ऐसे वक्त में तुम्हें अनामिका के साथ होना चाहिए। तुम्हारी माँ के साथ साथ पूरे गांव वाले अनामिका को बांझ बांझ कहते हैं। एक बार सोचो, वो ये सब कैसे सहती होगी। रमेश इस बात का कोई जवाब ना देकर बिल्कुल चुप रहता है। मर्दों के लिए ये सारी चीजें भूल के रहना बहुत आसान है। उनके पास दोस्त है, ऑफिस है, फ्रेंड्स है, बार्स है, रेस्टोरेंट है, पार्टी है, बहुत कुछ है। पर महिलाएं जो कि बिल्कुल हाउसवाइफ है, उनके पास कोई और चारा नहीं। आप जो कह रहे बिल्कुल सही है सर, मैं तो अनामिका को समझा भी नहीं पाता। ऐसा मत कहो रमेश, अनामिका तुमसे पति के प्यार के साथ साथ भाई बहन का प्यार और संतावना भी चाहती है। तुम्हारे माँ के प्यार में सासू माँ और अपनी माँ का स्पर्श भी मिलना चाहिए, अपने ससुर जी के स्नेह में पिता का भरोसा और साथ में सम्मान भी होना चाहिए। अग्नि साक्षी रखे उसने तुमसे शादी की है। उनकी बातों से रमेश को ज्ञान की अनुभूति होती है। पति के तौर पे भले ही असफल रहो, पर उसे समझाने में असफल मत रहो। इसी के साथ साथ अपने माता पिता को भी ये बात अच्छे से समझाओ। मैं ये सारी बातें बॉस होने के खातिर नहीं कह रहा हूँ, एक दोस्त होने के खातिर कह रहा हूँ। जाओ घर जाओ। इस तरह समझाने के बाद सुदर्शन वहां से चले जाते हैं। रमेश चेयर पे ही बैठा रहता है। उधर प्रसाद धुआं निकलता हुआ गर्मा गर्म चाय लेके शारदा को लाकर देते हैं। लो शारदा, ये गर्मा गर्म चाय पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद अच्छे दिमाग से तुम सोचो बहू का क्या करना है। इस तरह कहते हुए वो उसे चाय देते हैं। शारदा चाय पीने लगती है। चाय खत्म होने से पहले शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है। ए जी, बहू वैसे भी अभी मंदिर गई है ना, हम भी चलिए मंदिर चलते हैं,
उससे मिलके इधर उधर की बातें करेंगे, फिर पहाड़ के ऊपर से उसे नदी में फेंक देंगे। वाह रे वाह शारदा, ये अच्छी तरकीब है। वैसे भी हमारी बांझ बहू को तैरना नहीं आता, वो पानी में बह जाएगी और इस तरह से हमें इस बांझ बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, यही ना? हाँ जी, अभी भी रमेश ऑफिस से आया नहीं है, यही अच्छा समय है, चलिए हम चलते हैं। फिर देर किस बात की शारदा, चलो मंदिर चलते हैं, नहीं तो बहू आ जाएगी। इस तरह दोनों में चर्चा होती है, फिर शारदा और प्रसाद जल्दी जल्दी घर से निकल के मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। ठीक उसी वक्त रमेश भी ऑफिस से निकल के तेजी से बाइक चला के घर की तरफ आने लगता है। उधर अनामिका मंदिर में बैठे बैठे दुखी मन लेकर लगातार बस रोए जा रही थी। तब तक शारदा और प्रसाद अनामिका के पास पहुँचते है। उन्हें देखते ही अनामिका अपने आंसू पोंछती है और फिर खड़ी हो जाती है। दुखी मत हो बहू, पास के एक आदिवासी लीडर है, वो जड़ी बूटी दवा देते हैं, उनका दवा खाने पे लोगों को संतान प्राप्ति होती है, चलो हम उनके पास चलते हैं। शारदा की बातें सुन के अनामिका मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपने मुँह से कैसे बताऊँ कि सारी दिक्कत तो आपके बेटे में है, आप बस मेरे बारे में सोच रही हैं, आपको अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए। इस तरह वो सोच ही रही थी कि तब तक शारदा अनामिका का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए मंदिर से सीधा जंगल के तरफ ले जाती है। प्रसाद उन दोनों के पीछे पीछे आते हैं। रमेश भी तेज गति से गाड़ी चलाकर घर के तरफ जा रहा होता है। आज माँ और पिताजी को मुझे सच बताना ही होगा कि अनामिका में कोई परेशानी नहीं है, अनामिका बांझ नहीं है, सारी परेशानी सिर्फ मुझ में है। इस तरह सोचते हुए वो तेज गति से घर जा रहा था। शारदा और प्रसाद अनामिका को साथ ले जाके नदी किनारे खड़े हो जाते हैं। नदी के पानी में बहुत तेज प्रवाह थी। माँ जी आदिवासी लीडर, अनामिका इस तरह पूछ ही रही थी। तब तक देर ना किए हुए शारदा अनामिका को उस नदी के तेज प्रवाह में धकेल देती है। अनामिका घबरा जाती है और पानी में गिर जाती है और इसी के साथ वो पानी में बह जाती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। जा बहू जा, फिर से कभी लौट के मत आना। इस तरह वो अनामिका को देखकर हाथ हिला के बाय बाय कहते हैं। अनामिका पानी में बहते हुए वो चली जाती है। तब तक रमेश घर लौट आता है, आके देखता है कि घर के दरवाजे पे ताला है। इससे पहले तो कभी ताला नहीं लटका, फिर आज अचानक से ये तीनों गए कहाँ? अपना सेल फोन निकाल के फोन लगाता है। शारदा का फोन बजने लगता है तो वो अपना दुखी चेहरा बनाकर कहती है, बेटा रमेश अनामिका घर आई क्या? ये सुनकर रमेश घबरा जाता है। क्या अनामिका घर नहीं लौटी है? वो आप लोगों के साथ नहीं गई? पता नहीं बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ये सब कहकर वो चली गई है। हमने बहुत विनती की, फिर जब वो नहीं मानी तो हम बहुत घबरा गए, इसीलिए मैं और तुम्हारे पिताजी अनामिका को ढूंढने के लिए ही निकले हैं। शारदा की बातों से रमेश समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर बिना कुछ कहे वो फोन काट देता है। शारदा को लगा कि बेटे ने उसकी बातों को सच मान लिया, इसीलिए वो खुशी खुशी घर लौट आई। ताला खोल के वो अंदर जाते हैं। रमेश एक चाबुक उठा के अपने माँ पिताजी को गुस्से से देखने लगता है। बताइए अनामिका के साथ आप लोगों ने क्या किया? आप सच बताइए, नहीं तो आज मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो चाबुक दिखाता है। चाबुक देखकर शारदा प्रसाद बहुत डर जाते हैं। हम जो कह रहे वो सच है बेटा, अनामिका ने कहा कि उसके बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हारी दूसरी शादी करा दे, और ऐसा कहकर वो चली गई। सच बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो, परेशानी मुझ में है ये बात अनामिका को भी पता था। ये सारी बातें सुन के शारदा और प्रसाद मानो की आसमान से नीचे गिरते हैं। वो डरते हुए रमेश के तरफ देखने लगते हैं। जब पता चला कि समस्या मुझ में है तो मैं रो रहा था, वही थी जो मुझे बच्चे के तरह संभाली थी, समझाई थी। बताओ माँ कहाँ है अनामिका, बताइए आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? जब वो अपना चाबुक दिखाता है, जोर जोर से सवाल करता है, तो शारदा और प्रसाद उसके डर से घबरा जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। मारो बेटा हमें मारो, हर मार से हमें सबक मिलेगी, हर सास जो अपनी बहू को बांझ कहती है आज उसे सबक मिलेगी। इस तरह कहने पे रमेश चाबुक से उसे मारने लगता है। मारो बेटा हमें अच्छे से मारो, हमने कोई छोटा मोटा पाप नहीं किया है, हमें लगा कि सारी समस्या बस बहू में ही है,
पर कभी सोचा नहीं कि बेटे में भी कामयाब हो सकती है। आज सभी माँ बाप को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह कहकर शारदा प्रसाद वहीं खड़े रहे। रमेश चाबुक पे चाबुक चलाता रहा और वो रोते रहे। आखिरकार वो मारते मारते खुद ही थक गया। इसी तरह दिन निकलते हैं। शारदा और प्रसाद अनामिका को ढूंढने में लग जाते हैं, पर अनामिका कहीं नहीं मिलती। रमेश की दाढ़ी बढ़ जाती है और वो बिल्कुल पागलों की तरह दिखने लगता है। वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, बस एक चेयर पे बैठ के अनामिका की तस्वीर को देखता रहता था। मुझे माफ कर देना अनामिका, मुझ में ही समस्या है। अगर ये बात पहले कह देते तो शायद आज तुम्हारे साथ जो हुआ वो कभी नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद भी लगा कि तुम कहीं मिली नहीं। हमें लग रहा है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ अनामिका। वो नंगा बिजली का तार पकड़ने ही वाला था कि शारदा और प्रसाद आके उसे रोक लेते हैं। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। शारदा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही देखती है कि दरवाजे के सामने अनामिका खड़ी है। शारदा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा रमेश, देखो देखो, बहू अनामिका आई है। आवाज सुनते ही रमेश और प्रसाद भागते हुए दरवाजे के पास आते हैं। अनामिका को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। शारदा प्रसाद को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगते हैं।